एक्सपीरियंस की बात कहूं तो खुशी से मेरे और मेरे ग्रुप की खुशी से आप देख ही सकते हैं कि मेडल देश के लिए आना लाना मतलब बहुत बड़ी बात थी, है ना। सेकेंडरी मुझे जो सीखने को मिला वो ये है कि हम लोग कई बार रैकेट से शटल से खेलते हैं, ओपोनेंट के साथ, ओपोनेंट के दिमाग के साथ खेलते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में बेसिकली मैंने जो सीखा है कि कई बार आपको अब कोर्ट के साथ भी खेलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट कुछ और कहता है। बैडमिंटन कोर्ट में हर एक जगह का अलग अलग माहौल चलता है, कहीं पे कोर्ट बड़ा, कहीं पे कोर्ट छोटा, कहीं पे कोर्ट में एयर एक तरफ चलता है, कई बार स्लो एक तरफ कोर्ट स्लो रहता है। तो वो चीज हम लोग कोशिश करते हैं प्रैक्टिस में सीखने की, लेकिन मुझे लगता है और सीखना हमें, और हम उसमें वर्कआउट करेंगे अब जाके। लेकिन ये मेडल का मैं क्रेडिट सिर्फ, मैं पूरा मतलब जो मेडल है वो देशवासियों के लिए है, पूरे देश के लिए है फ्रेंकली स्पीक। लेकिन इस मैच में जो टर्निंग पॉइंट रहा वो कहीं ना कहीं मेरी वाइफ में मैं देना चाहूंगा, वो इसलिए देना चाहूंगा उन्होंने ना छोटी सी बात कह दी मुझे मेरे दिमाग में, जब मैं सेमीफाइनल डेनियल मेटल से हारा, तो उन्होंने कहा यार जितना गुस्सा मुझ पर दिखाते हो मुझे लगता है उतना गुस्सा शायद आप कोर्ट में दिखा दोगे तो शायद कोई आपके सामने खड़ा नहीं होगा। तो उनकी ये बात ना दिमाग में छा गई और मैंने कहा यार ये बात पहले ही बोल देते, है ना। और तो वही गुस्सा था, मैं आपको फ्रेंकली स्पीक, मेरी बॉडी अभी भी 1% टायर्ड नहीं है, और मतलब मेडल के बाद तो वैसे ही टायर्ड नहीं होता, लेकिन मेरी बॉडी ना सेमीफाइनल के बाद टायर्ड थी जो मैच में हारा, और ना ये मैच खत्म होने के बाद टायर्ड है। तो मैंने सोचा यार यार इतनी फ्रेश बॉडी लेके घर जाऊंगा क्या, लगाओ जान दो। ABP सोचा जोश जज्बा जुनून।